तावन करेंगे और बहुत अच्छी इसमें एक चीज जो आपने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस की कि बेसिकली जो ग्वादर है और ग्वादर में जो इस वक्त डेवलपमेंट सेक्टर है सुनहरे दौर का आगाज हो चुका है। सुनहरे दौर से मुझे चूंकि 64% पाकिस्तान के यूथ हैं, नौजवान हैं, नौजवानों के लिए क्या पैगाम या उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं इस सुनहरे दौर में? देखिए, इस वक्त हमारे पाकिस्तान के ईरान और अफगानिस्तान के बॉर्डर गवर्नमेंट ने वहां पे बाजार बना दिए जी, तो मैं तमाम नौजवानों को कहूंगा कि वहां से वो प्रोडक्ट लें या पाकिस्तान में सप्लाई दें और यहाँ की चीजें वहां पे सप्लाई दें। सही। तो इस वक्त ग्वादर से आप ये काम कर सकते हैं। जबल अली पोर्ट पे भी यही चीज हो रही है कि आप वहां पे कोई भी चीज मंगाते हैं तो थर्ड कंट्री आप भेज सकते हैं। तो ग्वादर में बैठ के ट्रेड करें, आप अपने कंटेनर ग्वादर मंगाएं और ग्वादर से आप बांग्लादेश भेज दें, किसी भी कंट्री भेज दें, उस पर टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स फ्री है ग्वादर। ठीक है, टैक्स फ्री है ग्वादर और जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज हैं, अपने कारोबार की अपॉर्चुनिटीज हैं। इसके अलावा चूंकि हमारे पास पाकिस्तान में बेरोजगारी ज्यादा है, इस बेरोजगारी को के खात्मे के लिए ही बुनियादी तौर पे ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है और इस प्रोजेक्ट को हमने यूटिलाइज करना है, इसका फायदा उठाना है। खटक साहब, अगर हम देखें बुनियादी तौर पे हमारे यहाँ अभी भी थोड़ी सी कंफ्यूजन है, लोग कराची से ग्वादर की तरफ मूव करना करने में थोड़ा सा हेजिटेट होते हैं। ये जो हमारा पूरा बेल्ट है इस पे आप विजिट करते हैं, चूंकि आप प्रोजेक्ट की मद में भी वहाँ जा रहे होते हैं, ये कोस्टल हाईवे हो गया, ये हमारा पूरा बेल्ट हो गया, कितना सेव है? अगर एक इन्वेस्टर वहां जाना चाह रहा है, आपके साथ विजिट करना चाह रहा है, तो वो सबसे ज्यादा उसको सिक्योरिटी का खतरा होता है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो बेल्ट है वहां ग्वादर पहुंचने तक वहां से वापस आने तक ये कितना सेव है और कितना इम्पोर्टेंट? देखिए, एक चीज तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ से लेके जिंदर तक का रोड सेंसिटिव है, सिंगल रोड है। सही। मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट जो है ना ये डबल रोड बनाए। ठीक है। विंदर से आगे आप जाते हैं कोस्टल हाईवे पे तो आप आराम से स्मूथली जाते हैं, हर जगह पे चेक पोस्ट बनी हुई है, आपकी हिफाजत होती है, इजिली आ सकते हैं। दूसरा रोड जो हमारा बना है वो बना है रतो डेरो वाला। सही। असल ट्रेड उस पर शुरू होनी है। अच्छा। हम कराची से जाते हैं, हमारे इन्वेस्टर जाते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है और रास्ता इंतहाई महफूज है। सिर्फ यहाँ तक का जो क्वेटा वाला रोड है ये डबल होना चाहिए, ये कार्पेटेड होना चाहिए, इस पे हादसा होते हैं, इसके अलावा किसी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये तो रहा हम जब बलूचिस्तान की और खासतौर पे ग्वादर की बात करते हैं, इसके अलावा सी पैक की वजह से और खासतौर पे ग्वादर की वजह से पूरे बलूचिस्तान में बाकी किन किन एरियाज में डेवलपमेंट का काम हो सकता है, या फिर जिस तरह रतो डेरो का आपने बताया, ये जो बेल्ट जो टच हो रहे हैं ग्वादर की वजह से और इवन पंजाब में, केपी में, और कौन कौन से एरियाज हैं जहां पे डेवलपमेंट हो सकती है? चाइना गेट से लेके, चाइना बॉर्डर से लेके, गिलगित बल्तिस्तान से लेके ग्वादर तक जी, जो रास्ते में इलाके पड़ते हैं, जो देहात पड़ते हैं, जो शहर पड़ते हैं, वहां पे फ्री जोन बन रहे हैं। सही। वहां पे छोटी कॉटेज इंडस्ट्री लग रही है, वहां तमाम शहर में लोगों को रोजगार मिलेगा, करोड़ों लोगों को नौकरियां मिलेंगी। अब आप देख लें कि लाहौर के नजदीक से जो हमारा सी पैक का रूट गुजर रहा है वहां पे करोड़ों लोगों को नौकरियां मिलेंगी। सही। और इस वक्त मैं आपको बताना चाहूंगा, लॉकडाउन के दौरान चाइनीज ने ग्वादर में रिकॉर्ड मुद्दत में काम करते हुए काम खत्म किए, रोडे बनाई है जी। इसी तरह से केपी में, इसी तरह से गिलगित में बहुत ज्यादा मौके हैं कारोबार के, और सी पैक का मतलब ही यही है सिल्क रूट का कारोबार बढ़ाना, और माशी शरक भी पाकिस्तान की इसीलिए बिल्कुल सही कह रहे हैं।